हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा भी है और समझा भी है। तो 13.1 के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें एक कार पार्किंग का चार्ज दिया हुआ है और हमें बताना है एक स्टेशन का दिया हुआ है कार पार्किंग का कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली आपको समझ आएगी। 4 आवर्स के 60 रुपीज़ ले रहे हैं क्या? 4 आवर्स के 60 रुपीज़ ले रहे हैं, 4 आवर्स के 60 रुपीज़ ले रहे हैं। तो 8 आवर्स में कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए था। और फिर 12 आवर्स में कितना होना चाहिए था? ये 4 का 3 टाइम्स यानी इसका 180 होना चाहिए था। और 24 का कितना होना चाहिए? ये 6 टाइम है यानी कि इसका 636 यानी कि 8 360 होना चाहिए था। ये भी बढ़ना चाहिए था उसी फॉर्मेट में जिस तरीके से ये आवर्स बढ़ रहा है, तब ये जाकर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में चीज़ें होती। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में चीज़ें नहीं है क्योंकि 4/60 को अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये इक्वल टू नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं नॉट डायरेक्टली प्रपोर्शनल। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑफ पेंट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। रेड पिगमेंट दिए हुए हैं, आप टेबल दी हुई है यहाँ पे, और इस टेबल की मदद से आपको पूछा गया है कि किस पार्ट में क्या होने वाला है। कम्प्लीटली ये चीज़ आपको पूछी गई, यानी कि 1 का 8 हो रहा है तो 4 पे क्या हो जाएगा? 1 का 8 हो रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का 32 हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द एज्यूम ऑफ रेड पिगमेंट पार्ट इज एक्स एंड वाई बेस इज वाई। सो प्रिपेयर्ड एक पार्ट में आठ आ रहा हो तो 4 पार्ट्स में क्या हो जाएगा? 32, राइट। और इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें, y इक्वल टू 8x के बराबर होगी तो ये 4/32 हो जाएगा, ये 7/56 हो जाएगा, 12/96, राइट। और इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे कम्प्लीटली तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि किस तरीके से ये पूरा वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कम्प्लीटली इस तरीके से आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में अ मिक्सचर ऑफ पेंट प्रिपेयर एक पार्ट में इतना दिया हुआ है तो यहाँ पे 75 लीटर्स में कितना होगा? तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। 1 का दिया हुआ है 75, तो 1800 का क्या हो जाएगा? तो 1800 के लिए हम 75 में डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है। तो 1800/75 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 24। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 24 आंसर आएगा, 24 ml का होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मशीन है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, वो फिल करती है 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में 840 बॉटल्स, तो 5 आवर्स में कितने होंगे? तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको देखें ध्यान से, कि अगर हम 840 6 आवर्स में लेते हैं तो 5 आवर्स में कितने लेंगे ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया कि एक्स बॉटल्स होंगी, तो हम 6 आवर्स में 840 हो रहा, तो 6 को डिवाइड करेंगे, 840 इंटू 5 करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, 840 इंटू 5 और फिर हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 840 इंटू 5/6 कर देंगे तो ये 700 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 700 आएगी x की वैल्यू, यानी कि 5 आवर्स में 700 बॉटल्स को हम फिल आउट कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक फोटोग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि बैक्टीरियाज बढ़ रही हैं 50,000 5 सेंटीमीटर, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया, और एक्चुअल लेंथ बैक्टीरियाज की क्या है? इसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं। तो 5/50,000 सेंटीमीटर का होगा 10^-4। सो लेट द एज्यूम ऑफ लेंथ ऑफ बैक्टीरिया व्हेन इनलार्ज 20,000 टाइम्स टू बी एक्स, 20,000 टाइम्स होगा एक्स का, तो क्या हो जाएगा ये कम्प्लीटली अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा 20,000 टाइम्स टू बी एक्स। अब एक्स का 20,000 टाइम होगा तो हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर 5 सेंटीमीटर में इतनी होगी तो कितने सेंटीमीटर में ये होगी? तो 5 का 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे और 50 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 20,000 / 50, तो ये कैंसिल आउट होकर के 2 आएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर में इतने होंगे 20,000। तो हम कह सकते हैं कि हैंस इन लार्ज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। एक मॉडल है सिप का जिसमें कि 9 सेंटीमीटर हाई है और एक्चुअल सिप जो 12 सेंटीमीटर हाई है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ 28, तो कितना मॉडल का कितना होना चाहिए अगर आप इस हिसाब से बना रहे हो? तो मॉडल जो सिप है वो 9 सेंटीमीटर की, एक्चुअल ये 12 मीटर की है।
तो लेंथ इस शिप की कितनी होनी चाहिए? तो 9 × 28 / 12, 9 × 28 / 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 28 / 12, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 21 हो गया। अभी 21 किस तरीके से हो रहा है इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। तो ये कैसे हो जा रहा, देखिए आप 4 से करेंगे तो, या 4 से करेंगे तो 4 से ये 3 बार में, और 4 से करेंगे तो ये 7 बार में, राइट। 3 से करेंगे ये 3 बार में, तो 3 × 7 यानी कि 21 आएगा आंसर इसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 21 आएगा सेंटीमीटर हाइट मॉडल शिप की। इसी तरीके से हमें दिया हुआ है कि 2 kg सुगर 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल है, तो कितने होंगे अगर 5 kg में कितने होंगे, और 1.2 kg सुगर में कितने होंगे। तो सबसे पहले तो 2 kg का हमें दिया हुआ है इतना, तो 1 kg का फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम 2 का डिवाइड कर देंगे, 9 × 10⁶ / 2, और अगर हम 1 point, अगर हम इसको x इसको y मान लेते हैं, 5 kg में और 1.2 में फाइंड आउट करना है, तो 9 × 10⁵ / 5 × 5 / 2, तो 9 × 10⁵ / 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁷। अभी 10⁷ कैसे आ रहा, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को जब सॉल्व करोगे, यानी फाइव 45 और फिर डिवाइड करोगे, तो ये पॉइंट करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम चेंज करना, मैंने आपको बताया है, तो 2.25 × 10⁷ हो जाएगा। इसी तरीके से वाई का भी क्या हो जाएगा, 1.2/2 हो जाएगा, तो 5.4 × 10⁶ होगा इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। रेशमी हैज़ अ रोड मैप विद द स्केल, एक रोड मैप का स्केल दिया हुआ है रेशमी के पास, जो रिप्रेजेंट कर रही है 1 cm में 18 km, फिर 72 में कितना करेगी आपको ये बताना है। तो देखिए 4 cm आंसर होगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 72 × 1 / 18, तो 4 cm होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मैप का जो डिस्टेंस होगा वो 4 cm होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5 मीटर और 60 cm हाई दी हुई है वर्टिकल पोल की, जिसमें साइड और जिसका 3 मीटर बन रहा है, 3 मीटर और 20 cm लॉन्ग बन रहा है, तो सेम टाइम में क्या होगा अगर लेंथ साइडों की दी होगी दूसरे पोल की 10 मीटर और 50 cm हाई होगा। तो इसी तरीके से हाइट ऑफ पोल जिसका शेडो दिया हुआ है 5 मीटर लॉन्ग, तो क्या होगा उसमें ये हमें बताना है। तो दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो हाइट ऑफ पोल जब शेडो 5 मीटर की हो, और अनदर पोल जब 10 मीटर और इतने सेंटीमीटर की हाइट हो। तो लेंथ एक बार शेडो की लेंथ बतानी है, और एक बार हमें पोल की लेंथ बतानी है, और ये चीज़ें हमें दी हुई है वर्टिकल पोल की जो हाइट है 5 मीटर 60 मीटर दिया हुआ है, और शेडो की भी हमें दी हुई है। तो आप देखोगे कि हमने एक्स मान लिया पोल को, और जो शेडो है जो पोल की लेंथ है उसको हमने वाई मान लिया, और यहाँ पे साइडोज को हमने एक्स मान लिया, साइडो को एक्स और इसको वाई, और ये जो दिया हुआ लेंथ 10 मीटर 50 cm में कितना होगा इसको हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रखें तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे अगर लेंथ इसकी 5.6 है तो साइडो 3.2 हो रही है, अगर लेंथ 10.5 होगी तो क्या होगा, या 5 मीटर की साइडो होगी तो क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो 10.5 × 3.2 / 5.6, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से अगर हम 5.6 और 5 का मल्टीप्लाई करके 3.2 का डिवाइड करेंगे, 5.6 में 5 का मल्टीप्लाई करके 3.2 का डिवाइड करेंगे, 8.75 आएगा। तो जो हाइट होगी पोल की वो 8.75 होगी, और इससे पहले भी हमने फाइंड आउट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एक लोडेड ट्रक है जो ट्रेवल कर रहा है 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर, तो विद द स्पीड ऑफ रिमेन सेम, स्पीड उसकी वही है, लेकिन 5 आवर्स में कितना कवर करेगा ये हमें बताना है। तो 25 में 14 किलोमीटर कर रहा है, यानी कि अगर आप 5 आवर्स को 60 मिनट में चेंज करेंगे तो 5 × 60 यानी कि 300 मिनट में कितने कर रहा है, तो 300 के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्मेट में रख करके। तो ये देखिए ना, अगर हम 300 में 14 का डिवाइड करके 25 से डिवाइड करेंगे, 300 में 14 का मल्टीप्लाई करके 25 का डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 14 × 300/25, और 25 से अगर इसको आप कैंसिल आउट करने जाओगे
तो ये जो होगा 12 टाइम में कैंसिल आउट होगा, राइट? कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा? 12 टाइम में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 से ये 12 बार में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 4 बार में होगा, 100 होता तो 4 बार में, 200 होता तो 8 बार में, अगर 300 है तो 12 बार में, तो ये 12 का अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 168 आएगा, यानी कि जो ट्रक है ट्रेवल कर सकता है 168 किलोमीटर 300 मिनट्स में, यानी कि 5 घंटे में वो कितने किलोमीटर तय कर सकता है? 168 किलोमीटर तय कर सकता है। और आई होप कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।